तो दोस्तों आज हो गई है 6 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अब बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत किया है आह्वान। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, इस दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है क्योंकि मोदी सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार ही नहीं है। और वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार आज बैंकों के निजीकरण से संबंधित बिल लोकसभा में पेश कर सकती है। अब कृषि कानूनों के खिलाफ सफल आंदोलन के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने का संकेत दे दिया है। इसके खिलाफ बोलते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट कर संकेत दिया है कि वह अब नए मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार को घेरने वाले हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, सी वोटर का सर्वे, योगी सरकार की उड़ी है नींद, यूपी में सरकार से नाराज कितने फीसदी लोग चाहते हैं बदलाव। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा का चुनाव है और यही वजह है कि सूबे में सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। हर कोई पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है लेकिन जनता का मूड क्या है इसको लेकर के एक सर्वे सामने निकल के आया है। इस सर्वे में जनता से पूछा गया है कि कितने लोग सरकार से नाराज हैं और इस बार के चुनाव में वे बदलाव चाहते हैं और नतीजे काफी ही चौंकाने वाले हैं और भाजपा की नींद यहां पर उड़ सकती है इन नतीजों से। आप लोगों को बताते चले, इस सर्वे में 47% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा है कि वो सरकार से नाराज हैं और यहां पर बदलाव चाहते हैं यूपी में। और वहीं आप लोगों को बताते चले, 29% लोग यहां पर सर्वे में हैं जिनका कहना है कि वह नाराज हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं सरकार। इसके साथ ही 24% लोगों ने यहां पर योगी सरकार का समर्थन किया है और उनका कहना है कि ना तो वह नाराज हैं और ना ही सरकार बदलना चाहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो योगी सरकार की नींद इस सर्वे से उड़ सकती है। यहां पर 47% लोगों का दो टूक कहना है कि वह सरकार बदलना चाहते हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, क्या यूपी में सरकार बदलनी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली खबर बताते चलें, बीजेपी के सांसद ने कहा प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटा दो, तेजस्वी यादव बोले संविधान बदलने की साजिश चल रही है। जी हां दोस्तों, भाजपा के एक राज्यसभा सांसद हैं के जे अल्फोंस, आईएएस की नौकरी छोड़कर के राजनेता बने केरल निवासी के जे अल्फोंस सिर्फ गैर जरूरी और बेतुकी बातों के लिए ही चर्चा में बने रहते हैं। केंद्रीय मंत्री रहते विदेशी पर्यटकों की बिकनी और बीफ इनके चिंतन का केंद्र बिंदु था। अभी 3 दिसंबर को ही अल्फोंस ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया था। बिल में यह प्रस्तावित था कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए। अल्फोंस का यह प्रस्ताव सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि क्या भारत के लिए फिलहाल इससे ज्यादा गैर जरूरी कोई मुद्दा हो सकता है, जो देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स के आंकड़े शर्मनाक स्तर पर जा चुके हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में देश के सिर्फ 2-4 पूंजीपति मित्र ही खुश नजर आ रहे हैं। पर्यावरण का अंदाजा गैस चैंबर बन चुकी देश की राजधानी दिल्ली से ही लगाया जा सकता है। और वहीं बेरोजगारी तो युवाओं का गहना बन चुका है। ये सिर्फ कुछ मुद्दे हैं, ऐसे हजारों मुद्दों को कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक बंदूक की नोक पर हर रोज दबाया जा रहा है। लेकिन अल्फोंस का कहना है कि ये सब तो होता रहेगा, पहले संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी हटा करके न्याय संगत शब्द जोड़ दो। और वहीं इस बिल के पेश होने के दौरान यहां पर विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से संसद के अंदर हंगामा कर दिया है। और वहीं बिहार के नेता यहां पर तेजस्वी यादव ने इस बिल का विरोध करते हुए एक ट्वीट किया है और कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी
संसद में पकड़ी गई है जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना, जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है, उसमें से समाजवादी शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस करवाया। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा की साजिश यहां पर बेनकाब होती हुई नजर आ रही है और विपक्ष ने दिया है करारा जवाब। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली खबर बताते चलें, गोदी मीडिया के पत्रकार पर भड़के हैं अखिलेश यादव, बोले इनके कागज निकालने पड़ेंगे प्रचार करने के लिए मिले हैं पैसे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सत्ताधारी भाजपा पर लगातार हमले बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा का हर वादा एक जुमला निकला। इस दौरान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। उन्होंने पत्रकार के सवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर ऐसा सवाल आप नहीं पूछेंगे तो आपका बजट कट कर दिया जाएगा। वहीं मीडिया से मुखातिब अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर हमला कर रहे थे, तभी एक पत्रकार ने पूछ लिया, मथुरा काफी शुरू कर दिया गया है फिर से अखिलेश जी। इस पर अखिलेश यादव बिफर गए और कहा कि आप लोग उनके एजेंडे में मत फंसिए। मैं जानता हूं कि अगर आप ऐसे सवाल नहीं करेंगे तो आपका बजट कट कर दिया जाएगा। ये यहां पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर गोदी मीडिया पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगा दिया है और किया है जोरदार हमला। एक और बड़ी खबर बताते चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएए एनआरसी के 6 प्रदर्शनकारियों के हिरासत आदेश को खारिज किया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिला प्रशासन के द्वारा सीएए और एनआरसी के खिलाफ 16 दिसंबर 2019 को कथित रूप से एक हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण 6 लोगों के खिलाफ यहां पर रासुका या एनएसए के तहत जारी किए गए हिरासत आदेश को रद्द कर दिया है। ये यहां पर देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है योगी सरकार के मुंह पर। और यहां पर देख सकते हैं कि लगातार योगी सरकार की तरफ से एनएसए का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर के यहां पर हाई कोर्ट ने कड़ी सख्ती दिखा दी है। आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर रासुका या तो एनएसए या यूएपीए के तहत कार्रवाई कर दी जाती है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर है, योगी सरकार को दे दिया है करारा झटका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। एक और बड़ी खबर बताते चलें, नोबेल सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर जताई है चिंता। बीजेपी के सांसद बोले, इनके विश्लेषण को तो खारिज नहीं कर सकते मोदी। आप लोगों को बताते चलें, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी साल 2019 के स्तर से काफी नीचे है। बनर्जी ने अर्थव्यवस्था को लेकर के अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और कहा है कि लोग अभी आर्थिक तौर पर बेहद ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री की टिप्पणी के बाद भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर इसी बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनके विश्लेषण को तो पीएम मोदी खारिज ही नहीं कर सकते हैं ना। दरअसल दोस्तों, भाजपा के सांसद पिछले कुछ समय से लगातार मोदी सरकार की नीतियों की काफी तीखी आलोचना करते रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, संसद टीवी के एंकर पद से प्रियंका चतुर्वेदी का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद के मानसून सत्र में 11 अन्य लोगों के साथ राज्यसभा से निलंबन के बाद संसद टीवी के एक शो के लिए एंकर के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को एक पत्र लिखकर के इसका कारण भी बताया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं संसद टीवी के शो मेरी कहानी के एंकर के रूप में पद छोड़ रही हूं। उन्होंने आगे कहा है कि मैं ऐसी जगह पर किसी पद पर रहने के लिए तैयार नहीं हूं जहां मेरे प्राथमिक अधिकार को ही छीना जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, 12 विपक्षी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है और विपक्ष इसको लेकर के लगातार सरकार पर हमलावर है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेताओं की संसद में बैठक आज, शीत सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा। विपक्षी दलों के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की आज संसद परिसर में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक होगी। बैठक में शीत सत्र के दौरान विपक्ष की रणनीति पर यहां पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें,
राज्यभर का बड़ा दावा, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही होगी जातिवार जनगणना। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुकी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चुनाव के बाद सपा की सरकार बनते ही राज्य में सबसे पहले जातिवार जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। राजभर ने यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार को इस दौरान निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा है कि उनका एकमात्र लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना व अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और यूपी की जनता यहां पर बीजेपी की विदाई तय कर चुकी है, ये यहां पर कहना है। ओपी राजभर का एक और बड़ी खबर बताते चले, ममता की तृणमूल और मायावती की बीएसपी दोनों ही बीजेपी की बी टीम, ये यहां पर कहना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। उत्तर प्रदेश में पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे भूपेश बघेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रही है बसपा, और इन दिनों तृणमूल गोवा समेत पूरे देश में भाजपा की टीम की भूमिका निभा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बिना राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी विपक्षी गठबंधन भाजपा को मात नहीं दे सकता है और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी पार्टी है देश के अंदर, ये कहना है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का। इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।